आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है उसको मैट्रिक्स के इनवर्स मेथड से किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है तो उसके वो सोल्व करते हैं तो उसके तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉन्स्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन है तो उससे जो सिस्टम है वो इनकॉन्स्टेंट कहलाएगा। इसके सॉल्यूशन किस तरह के है ये पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको इक्वेशंस दे रखी हैं उस इक्वेशंस के जो भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की सहायता से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और सिस्टम कॉन्स्टेंट कहलाएगा। अगर वो डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आता है तो उससे दो बातें हो सकती है, या तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या उसके नो सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम कॉन्स्टेंट कहलाएगा, और अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम इनकॉन्स्टेंट कहलाएगा। इसको सोल्व करने के लिए, समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन है 5x माइनस में 2y 7y बराबर 2, 7x माइनस 5y बराबर 2। इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, दीज इक्वेशंस में भी रिटन एज ax बराबर b, वे ए बराबर ए मैट्रिक्स क्या है, ये जो एक्स वाई जो वेरिएबल है 5 माइनस 7 7 और माइनस 5, ये जो कोएफिशिएंट है इनको यहाँ रख देंगे ये मैट्रिक्स ए बन जाएगा। बी मैट्रिक्स ये जो है, ये जो इक्वेशन दी हुई है उसके जो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है इनकी सहायता से जो मैट्रिक्स बनेगा वो बी मैट्रिक्स कहलाएगा, और जो वेरिएबल्स हमारे पास एक्स और वाई है ये इनकी सहायता से जो मैट्रिक्स बनेगा वो जो एक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। सबसे पहले हम इस इक्वेशन जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास आ रहा है माइनस 25 प्लस में 49, तो ये 24 आ गया है, और ये जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके कोफैक्ट निकालेंगे। ए वन वन कोफैक्टर है वो माइनस 5 आएगा, ए वन टू है वो माइनस 7 है, ए वन थ्री है वो जो है 7 आएगा, ए टू वन और ए टू टू है उसकी वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। अगर ये वैल्यूज मैं मैट्रिक्स में रख दूँ तो वो एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट बनाने के लिए जो कोएफिशिएंट्स हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं ये जिस एलिमेंट का जहाँ है उसको हम वहीं रख देंगे। तो रखने के बाद उसको अगर ट्रांसपोज कर दें तो वो जो आता है हमारे पास वो एडजॉइंट कहलाता है। तो ये जो भी कोफैक्टर्स मैंने निकाले थे जहाँ जिसका था वो वहीं रख दिया है, उसको ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 5 माइनस 7 7 और 5 ही है, इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एडजॉइंट है उसके अंदर डिटरमिनेंट का भाग दे देंगे। डिटरमिनेंट हमारे पास जो है 24 आया था, तो ये जो ऊपर मैट्रिक्स आया है एडजॉइंट वाला इसमें मैं अगर 24 का भाग दे दूँ तो ये मेरे पास जो है इनवर्स आ गया है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमारे पास ऊपर इक्वेशन है ए एक्स बराबर बी, अगर हम इसको सोल्व करें तो एक्स का मान हमारे पास ए इनवर्स बी आएगा, या एक्स की जगह मैं एक्स का मान रख रहा हूँ। इधर जो ए इनवर्स हमने निकाला है 1/24 माइनस 5 7 माइनस 7 और 5 ये रख दिया है, गुणा में जो ये बी मैट्रिक्स है ऊपर वाला ये रख दिया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आ रहा है वो आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करना है इसको इससे करना है, मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 यहाँ पर 21 है, ये गलत लिख दिया है, 21 यहाँ पर 11 आएगा और ये 1 आएगा। इसको हम आगे लिखें तो ये 11/24 हो गया है और 1/24। इस मैट्रिक्स को इसकी अगर तुलना करेंगे तो एक्स का मान 11/24 आ रहा है और वाई का मान 1/4
24 आया है, तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए हैं। इसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। इस एग्जांपल में हमने ये इक्वेशन लिखी हैं, इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट निकाला है, यहाँ पर डिटरमिनेंट जीरो आया है। जीरो आने का मतलब है कि इसके या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद में उसका एडजॉइंट बनाएंगे, एडजॉइंट बनाने के बाद में आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये अब एडजॉइंट ए निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ए में कोफैक्टर जहाँ के थे वो वहीं रखे हैं, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया है, माइनस चार माइनस में छः, दो और तीन माइनस, यहाँ पर ये माइनस छः होगा, ये दो होगा। अब हमको क्या करना है, जो एडजॉइंट ए है और उसको और बी को मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए हमारे पास आया है माइनस चार माइनस छः दो तीन, और जो बी मैट्रिक्स है वो है पाँच और दो। अब हम उनको गुणा करेंगे, अगर गुणा करें हम तो ये आएगा माइनस बीस प्लस चार और माइनस तीस प्लस छः। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में सोलह और माइनस चौबीस, ये जीरो के बराबर नहीं है। अगर एडजॉइंट ए और बी का गुणा जीरो के बराबर नहीं है और डिटरमिनेंट ए जीरो है, तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंट है और इसके नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये है तो नो सॉल्यूशन होगा इसका। एडजॉइंट ए और बी का मान अगर जीरो के बराबर नहीं है और डिटरमिनेंट ए का मान जीरो है, इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है सिस्टम इज इनकॉन्स्टेंट। ये इनकॉन्स्टेंट का उदाहरण था। अब हम एक ऐसा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें सिस्टम कॉन्स्टेंट आएगा। उसके लिए मैंने जो है ये इक्वेशंस ली हैं, एक्स जमा पाँच वाई बराबर तीन, दो एक्स जमा दस, ये इक्वेशन ली हैं। इन इक्वेशंस की सहायता से इनको मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया है। यह इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो आया। उसके बाद इसके कोफैक्टर निकाल दिए हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद में हमने इसका एडजॉइंट निकाला है, और एडजॉइंट निकाल करके अब जो हम इसके ये चेक करने के लिए कि सिस्टम कॉन्स्टेंट है या इनकॉन्स्टेंट है, इस एडजॉइंट ए को बी से गुणा करेंगे। या एडजॉइंट ए हमारे पास आया है माइनस दस दस माइनस पाँच माइनस दो ए, और जो बी है वो हमारे पास तीन और छः है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा तीस माइनस तीस, और ये नीचे आ रहा है माइनस छः प्लस छः। आप देख रहे हो कि जीरो आ गया है। अगर एडजॉइंट ए और बी का गुणा जीरो है और डिटरमिनेंट ए भी जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम है वो कॉन्स्टेंट होगा।